भाई ये तेल के टैंकर आप देखने लग रहे हैं, पेट्रोल डीजल के जो है तेल के टैंकर खड़े हैं। फिलहाल हम जो है कौन सा काम हुई ब्याणा खेड़ा की जो है तेल की रिफाइनरी के रोड के ऊपर खड़े हैं। और ये 112 जो है पता नहीं क्यों मौके पर जो है आ रही है, के समस्या हुई है, के बात हुई है, सारी की सारी बात इन ड्राइवर साथियों ने पूछांगे। पहला तो जो है दूर तक ही वो खड़ी थी गाड़ी, पहला हमने देखा था दिन में जो है दूर तक ही गाड़ी खड़ी थी, लेकिन हमने जो है आधा रास्ता खाली पड़ा। भाई साइड कर ले कैमरा, ये पीछे आप 112 नंबर डायल गाड़ी देखने आ रहे, पुलिस वाले मौके पर आ रहे हैं। लेकिन पहला सुबह रहे हमने देखा था नहीं, उस टाइम पर जो है गाड़ी खड़ी थी, सारा का सारा रूट पर गाड़ी खड़ी थी, लेकिन मैंने टैंकर पाए नहीं। रात ने अगर देखा तो वो टैंकर पाए नहीं। तो इन भाइयों ने पूछा कि क्या समस्या हुई है, ये पुलिस वाले इतने कुकर आ गए, इतनी बत्ती कुकर तसन लग रही है, 112 वाले के कारण खतरा रहे। ओ जो भाई वरी साइड आ जाओ, बताइए भाई क्या चक्कर है भाई, मतलब रात ने धरना धुना ठाणी की प्लानिंग कर ली गई। अच्छा मतलब मैंने एक बार बता, दिन में तो मैंने उड़ा गाड़ी देखी रास्ते पे है, लेकिन ये गाड़ी नहीं है, कौन सा ड्राइवर गया फिर धर्म है, डीलर दबाव दिया है। सारे ड्राइवर कोई नहीं जा रहा है। अच्छा। एक दो ड्राइवर गया बस। अच्छा। तकरीबन डीलर हैं सारे हिसार के डीलर हैं। अच्छा। अब हमारी कमेटी ये है, पूरा प्रशासन लिया गया, हमारा पूरा दबाव दिया गया है। अच्छा ठीक है, अब कुछ तो हमने इस कारण भाई तुम अपनी गाड़ी भर लिया के हमारे पंप ड्राइव हैं, सबके पंप ड्राइव हैं, एक अकेले उनके नहीं है। ठीक है, एक देखने वाली बात हमने ये भी मिली कि भाई ये गाड़ियां जो है दिन में नहीं भरी गई है, लेकिन रात को जो है गाड़ियां भरने का कौन सा रीजन है, कारण इन भाई ने पूछा। और भाई आजो भाई दो चार बोलनी है, देखो फिर तो मैंने को कहता हूँ आवाज सुनने, साइड में जो रास्ते साइड में जो जान दो इन्हें गाड़ियां, और गाड़ी दिखा दे बजा कैमरा मैन तसली से फोकस कर दो, गाड़ी जान लग रही है खाली की भरी है भाई, भरी गाड़ी है, भरी गाड़ी ड्राइवर नहीं है, ये कि हादसा हो गया तो पंप वाला जिम्मेवार है। अच्छा। ना कि कोई और है। और ये रोज कुंडे पर के भाई है, ये जो है गाड़ियां भर भर के जाने लग रही है। इब इन ड्राइवर साथियों भाई ये बात पूछांगे कि भाई दिन में तो इनको थे कि भाई एंट्री कार्ड चाहिए, एक्सपीरियंस का कार्ड चाहिए है, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए है। इब इनकी पुलिस वेरिफिकेशन कटेगा भाई, कटा होता मैं सारे आज भाई, इब ये चप्पला भर के लिया है, ना कोई सेफ्टी शूज है, ना और कोई हेलमेट है, कुछ नहीं है। ठीक है, बगैर ट्रेनिंग कार्ड के, बगैर उसके लाइसेंस के लिए आ रहे हैं, खाली खाली जाओ भीतर हो। हाँ या खाली जाओ, ये ड्राइवर बैंड कर रखा है, यो गेल बैठ कर जा। परमानेंट बैंड का मतलब क्यों है, मतलब अंदर एंट्री नहीं हो सकती प्लांट में, इस ड्राइवर की प्लांट में एंट्री नहीं हो सकती, फिर भी गाड़ी भरन जावा है। अच्छा, क्योंकि भाई कंपनी ने इसको ये कहा हुआ है तुम गाड़ी पर ले जरा बैंड खोल जाएंगे। अच्छा, ऐसे जी बात करके। अच्छा, सभी को गाड़ियों पे ले जा रहे हैं। अच्छा, मतलब अंदर यहाँ से तो मालिक जाता है। हाँ, अंदर तो वापस ड्राइवर बैठा है। अच्छा, 112 नंबर गाड़ी क्या पुलिस के है, ये तो ये कह रहे भाई बुला रखी है। अच्छा, SP के पास फोन किया कि धरने बैठे ड्राइवर है और हमें रास्ता रोक रहे, हम गाड़ी दोनों से ड्रोकल ड्राइवर है नहीं, जिसने नू है भाई अका हो बस। हाँ, इसका बगैर तो जिंदगी होनी। हाँ, जिंदगी तो देख मारी भी नहीं बगैर ड्राइवरी। हाँ, फिर भी वो वहां डरते लग रहे हैं जाने, दोनों से दो तीन ड्राइवर भाई किसी के साथ बदसलूकी ना करियो, गलत बात नहीं करनी किसी के साथ। इस साइड आ जा भाई, अपना रास्ता बनाओ, इस साइड आवा कैमरा मैन आड़ा, हमने देखे था दिन में धरना लग रहा है। ये भी सारे के सारे साथी जो ड्राइवर साथी साइड में रहे हैं, और ट्रक जो है खाली टैंकर जो है अंदर जान लग रहे हैं रिफाइनरी के अंदर, और जो है भर भर कान लग रहे हैं। बड़ा सवाल यो है, अगर जो जो ड्राइवर अंदर जान लग रहे हैं, हम किसी की पुष्टि नहीं करते, हम केवल जो है यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन देने लग रहे हैं कि भाई ये ड्राइवर तो अंदर जान लग रहे हैं, क्या इनके पास वेरिफिकेशन कार्ड है, क्या इनके पास जो पुलिस वेरिफिकेशन है, एक और कार्ड कौन सा हो, ट्रेनिंग फिलहाल जो दो तीन ड्राइवर इसे है मौका पर उनकी नौकरी छुटगी गाड़ी भरने के कारण यहाँ पे। अच्छा, जो लंबे रूट के हैं मालिका ने दाब दे की गाड़ी भरो, उनने मना किया भाई गाड़ी को नहीं भरते, इस कारण उनका पूरे बैठे बैठे दो तीन ड्राइवर का ईब काम खो गया, फिलहाल नौकरी चली गई उनकी, नौकरी चली गई। हाँ, अच्छा यही बात है। अच्छा, ईब कई बोल रहे हैं कि भाई तू गाड़ी भर गाड़ी भर, वो बोल रहे हैं मालिक मतलब ड्राइवर बोल रहे हैं कि तू खुद आ गाड़ी पर, मैं गाड़ी पर के नहीं लेके जाऊंगा, ये बात है। अच्छा। हाँ। अच्छा रही बात है वो ट्रेनिंग कार्ड है। हाँ। कि भाई उसके अंदर जो है ड्राइवर को पूरी पूरी ट्रेनिंग दे जाओ। हाँ। है कि भाई विस्फोटक जगह है ये। हाँ। किसी भी टाइम कोई थोड़ा अगर जब मामूली सा भी कोई वो हो गया नहीं मतलब चिंगारी होगी तो बहुत बड़ा हादसा उसका, क्योंकि भाई डीजल पेट्रोल की रिफाइनरी है ये, अगर मामूली सा भी कोई जो है चूक हुआ है तो उसका जो है बड़ा हादसा उसका वो है ना। इस रिफाइनरी में ट्रेनिंग कार्ड का काम क्या है,
की लाइसेंस से भी ज्यादा मायने है वो। अच्छा लाइसेंस से भी ज्यादा मायने, ज्यादा मायने है। लाइसेंस होगा एक टाइम एंट्री हो जाएगी, ट्रेनिंग कार्ड होगा ना, मतलब नहीं होगा ना ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कार्ड का रूल किसने लागू करा था? ये कंपनी ने अंदर से ही कर रखा है, यही बनावा है और यही ट्रेनिंग देवा है और सारा काम अंदर से ही होता है। वो मतलब ट्रेनिंग कार्ड इतना है की लाइसेंस भी जरूरी नहीं है, प्लांट में जाने के लिए ट्रेनिंग कार्ड इतना जरूरी है। यहाँ पे मतलब खुद के बनाए कानून खुद तोड़ना है। हाँ हाँ, ये खुद बना रहे हैं। अच्छा, जो ड्राइवर तार में तो लिकट के गया है दबाव में, कहना वो तार तो ऊपर को हो गया है या फिर तामने सहम ऑर्डर दा गया जी, दाब है उस पे, दाब है जिस तरह है मेरे परिवार की भी दाब थी। मेरे तक में अगर के भाई गाड़ी पर ले बैठा सही कब है नौकरी करनी है तना, मालिक भी कहता लंदा कहता नहीं भाई जो गाड़ी लग रही है जान, गाड़ी तो मैं ले आऊं जी पर कहना है और फिर दोनों सही मारा ऊपर लागू करिया नहीं फिर यू मामला जमे मारागा जी। ये भी तो चल भूखे मर जाएंगे, कोई बात नहीं तेरा बरगा बाप तो ये मतलब बिना ट्रेनिंग कार्ड बिना लाइसेंस बिना मतलब परमिशन कुछ भी नहीं गाड़ी भर रहे। कल डिपो सुबह चालू हो जाएगा ना तो एक भी ड्राइवर ऐसा देख लियो कि मतलब परमिशन एक साइन करवाने पड़े अंदर जाने के लिए, वो साइन भी नहीं करवाओगे तो अंदर नहीं जाने के लिए। ड्राइवर साथी कहने लग रहे हैं अगर इनकी बात में सच्चाई है तो मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, क्या रिफाइनरी के अंदर जाने वाली गाड़ियों के अंदर जो है लीगल ड्राइवर है या फिर ड्राइवर जो है मतलब अमान्य है, उनके पास जो है वो कौन सा कार्ड था, ट्रेनिंग कार्ड, ट्रेनिंग कार्ड है या उनके पास ट्रेनिंग कार्ड नहीं है। अगर कोई इस प्रकार की हरकत होने भी लग रही है, देखो हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कौन जान लग रहा है कौन नहीं जान लग रहा है, अगर एक मिनट जी उस की हम पुष्टि नहीं करने लग रहे हैं। आप अगर प्रशासन इस वीडियो को देखने लग रहे हैं तो एसपी डीएसपी जो है जो बड़े लेवल के जो इनकी जांच करते हैं तो इनकी जांच करो। अगर कुछ भी ऐसा होया है जिसके पास ट्रेनिंग कार्ड नहीं है या मतलब पूरे जो है हेलमेट हो या शूज हो या फिर अन्य जो है एक्सेसरीज हो है वो उनके बिना गया है तो ये तो इनसे पूछे ना कि भाई ट्रेनिंग कार्ड है इस पे लाइसेंस पे, ये बोल रहे की ये काम हमारा है तुम्हारा नहीं। जैसे हमने कल बोला था, कल बोला था आपने इसको आपको बोला था, मैं इस पे पूछना ट्रेनिंग कार्ड है कि नहीं है, वो पीछे हट गया उस टाइम पे क्यों अकेला था वो। एक और बताओ उगर की वही काका लिखनी है, एक मिनट बताइए। हाँ बताइए, वो जो जितने कानूनी छोटा भाई का वह नहीं बना रखे हैं वो अंदर से बना के दे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, घर की भाई काका लिखने इसका मतलब यूए है। अच्छा, फिर तो नहीं बता एक बार बता, इन्हें अंदर जाने की परमिशन भी दे दी थी मालिका थी, अहिया खुद ले जो बरकन है फिर तारी जरूरत की रही भाई तो कहा की भाई का आंदोलन वह खुद बुलाऊंगे तो हमने तो मैं बुला रखे हुई बुलाऊंगे तो पूछूंगा ओटी में बुलाऊ नहीं मैं क्यों बुलाऊंगा तो हमें सारी बात जो तरगल होने लगी तरह पूछने लगे जो ओटी में चल रहा नहीं मालिक कह दिन आज ले जाएगा बर्क है 10 दिन ले जाएगा बर्क है ड्राइवर फेट होता फिर आगा ड्राइवर नहीं पावेंगे जी डीलर पर हाँ। लेके डीलर ले आवे पर कहना इब तारी के स्कीम है मतलब ये धरना पढ़ने की स्कीम है हम हमें तो यह बात सुन दे स्पेशल भेजना जा रहा था मैं ये के बात होगी मगा बोले ट्रंक जान लग रहे हैं टैंकर जान लग रहे हैं मगर फिर भाई मार दो जो धरना साथी ने ड्राइवर साथी ने जो बात की झूठे लगे मकड़ी कोई भी ड्राइवर गाड़ी नहीं भरके ये सब डीलर गए या तसल्ली की गाड़ी अंदर गई भरके आई है। आपके सामने से गई गाड़ी तो मेरे सामने गई देखे भी है प्रशासन का प्रशासन का तो ये स्पेशल ने बुला रखे हैं कुछ डीलरों ने बुला रखे हैं डीलर अफसर तो भाई कड़कती ठंड के अंदर जो है आप देखने लग रहे हो ये भंडारा भी ले रखे हैं इन्हें पूरा जो है खान पीन की व्यवस्था भी दिखा दे भाई इनके जो है रहन बसारे जो है दिखाऊंगा कुकर गुजारा करने लग रहे बेचारे इतनी ठंड में यो देख लो भाई सारे टोपे उड़ रहे हैं कोई कंबल उड़ रहा है तो यो अड़े इनका बेचारे का जो है धरना भाई इन्हें खान पीन का प्रोग्राम करके इस साइड आइए भाई यो देख ले भाई सारा का सारा सिस्टम भाई ये के छोले के छोले बनाए रखे रोटी बनाए रखी है और कैंपर कुंपर ले रखे हैं लेकिन भाई बात के है धरना जो है इनका बेचारे का ये नुकाय है कि भाई जारी रहूगा और जो है डीलर खुद पेट्रोल पंप के लिए जो है टैंकर भर के अंदर से ले जाने लग रहे। बड़ा सवाल मेरा यू है बिना जो है उसके कार्ड कौन सा कार्ड था फिर भूल गया मैं बेचारे को नहीं भाई माम ड्राइवर बेचारे को नहीं ड्राइवर माम प्योर प्रॉपर ड्राइवर ऑल हिंदुस्तान बिल्कुल अगर मेरे तक गलती देखिए मिल गया माफ करियो जी। अच्छा हाँ कौन सा कार्ड बेचारे तो वहां थे दोनों से अपने यहाँ 10 गाड़ी भर कर ले गए बस तो भाई बिना ट्रेनिंग कार्ड अंदर कैसे जा सके बड़ा सवाल ये है बिना पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर कैसे जा सके जो आई कार्ड हो है आई कार्ड के बिना वो अंदर कैसे चलेगा मेडिकल रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट ट्रेनिंग कार्ड लाइसेंस ये सभी मान्य अंदर है इसके बिना कोई बात ओ एक्सीडेंट हो रहा होगा नहीं जैसे कि मेरे पवरिया जी आज मैं परमिशन ले जाऊं जी सारे जी ओ ऐसे लाइसेंस नहीं बनता जी दोनों यहाँ ट्रेनिंग कार्ड का भाई 3 दिन तो उसकी गाड़ी भर के अंदर से वो खुद है तो कर्मचारी अंदर वही गाड़ी भर रहे हैं बिना अल्पर गाड़ी के अंदर। अच्छा, कुछ भी चूक हुई उसका जिम्मेदार
कई तो ऐसे हैं जिन पर लाइट लसेस है, छोटे गाड़ी चलाव है, उन बड़े गाड़ियाँ के ऊपर वह भीतर गए हैं, वह भी भीतर गए हैं। अच्छा चलो भाई, इन भाइयों जो बताया है इनके ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई माननीय न्यायालय से भी हमें उम्मीद है, अगर कुछ भी इस प्रकार की पहले जांच होनी चाहिए कि ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो इनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जान लग रही आगा ये भाई दिखाइए बरी, ये जो है बरबर का टैंकर जान लग रहे रिफाइनरी में। लेकिन फिर एक बात बता देता हूँ, देख या वीडियो टारगेट निकलने लग रहा है हम खाली पेट्रोल डीजल वाले टैंकरों को या फिर इन ड्राइवरों को ना, या वीडियो यो धरना और यो जो है प्रदर्शन उन सब ड्राइवरों के लिए है जो कि दूध की गाड़ी चला हुआ है, फल सब्जी की गाड़ी चला हुआ है, स्कूल की वैन चला हुआ है, एम्बुलेंस चला हुआ है, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड साधन चला हुआ है, खेत में ट्रैक्टर चला हुआ है, सबके लिए ये कानूनियों को नहीं पर मैं इन्हें गलत पढ़ रहा हूँ ना, गलत नहीं पढ़ रहा मैं किसी का भी, सिर्फ आवाज उठाऊंगे और सवाल पूछूंगा ड्रा को नहीं। प्रशासन से भी मेरा सवाल है, ये हुआ तो हुआ कैसे, अगर ये हुआ तो इसके ऊपर जाँच होनी चाहिए।